हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग। और ये देखिए, मैं पकोड़े बना रही हूँ, मतलब आटा छान रही हूँ पकोड़े के लिए। और तभी सही नहीं है तो इसलिए मन कर रहा था कि कुछ अच्छा बना खा लो चटपटा सा। तो मैंने सोचा चलो पकोड़े बना लेते हैं, चाय के साथ खा लेंगे। अभी भी तबीयत सही नहीं, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है सच में। और मैं आटा छान रही हूँ, उसमें आटा नहीं, सॉरी, बेसन छान रही हूँ। और ये बाबू आ गया है, इनके बाबू के पापा भी आ गए हैं। ये देखिए, बाबू बार बार बोला, गुड मॉर्निंग बोलते हैं, गुड मॉर्निंग बोलते हैं, मतलब ऐसे सब बोल रहा था कैमरे में। और मैं उधर डब्बा रख रही हूँ, मैं बेसन जितना ज़रूरत था उतना छान ली हूँ मैं, बाकी डब्बा उठा कर रख देती हूँ। तभी सही नहीं, बहुत ज़्यादा जुकाम उकाम, खांसी नहीं हो रही है तो जुकाम और बुखार। सर तो मेरा ऐसा लग रहा है कि नीचे गिरा गिर ही जाएगा, और नाक भी निकल रही है, पानी पानी से निकल रहा है नाक में से। शैतानी कर रहा है लड़का, गोदी से उतार रहे हैं लेकिन उतर नहीं रहा है। बोला नहीं मैं नहीं उतरूंगा पापा जी, मैं नहीं उतरूंगा। और वैसे चार के मैं घोल रही हूँ उसको पानी डाल के, तो चम्मच से अच्छे से फेंट लेती हूँ उसको, तो अच्छे से फेंट लो ज़्यादा तो सही रहता है। तो उसी में घोलनी में जब तो मैं सही हो जाएगा, इसलिए पहले घोलनी में तो उसी में एक था प्याज रखी थी छील के, तो प्याज काट देती हूँ उसमें। मैं नहीं छीली थी, मेरे हस्बैंड छीले थे आलू भी, मेरे हस्बैंड ने छील के रखे थे, मेरी तबीयत सीनी थी इसीलिए। और इसमें मैं प्याज काट ली हूँ, मैं फिर घोल ली हूँ, फिर हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, और थोड़ा सा धनिया पाउडर, और गरम मसाला भी डाली मैं थोड़ा सा, बस थोड़ा सा डाली हूँ बाद में। इसको नमक भी डाल देती हूँ इसमें, जितना उसमें पड़ेगा उतना। फिर अच्छे से सबको मिला देती हूँ। और सबसे बाद में हींग का आदमी जाता, फिर मैंने हींग भी डाल दी उसमें। हींग तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है खाने में, पेट का आजमा सही। ये देखिए भाई, पकौड़े बनना शुरू हो गए। ये देखो, आप लोग भी आगे खा लीजिए, गरम गरम पकौड़े और दस चाय बन दिए। किस किस चीज़ के हैं भाई पकौड़े? आलू प्याज, आलू और प्याज के हैं पकौड़े। और ये देखो चाय भी बन गई कड़क वाली, चाय के साथ खाइए, आइए गरम गरम पकौड़े हम लोगों के साथ। ये देखो भाई पकौड़े के नक्शे कितने बढ़िया हैं, और ये पकौड़े बनाए हैं प्याज के, खाने में बड़े टेस्टी हैं। ये देखो मैं भी खा रही हूँ, शाम में 9 बजे के साथ बहुत टेस्टी नक्शे। अब प्याज के बनाएंगे तो उसका नक्शा इधर उधर ही जाएगा ना, गोल थोड़ी ना। आलू के चिप्स काबड़ा बनाए तो गोल भाई, चटनी भी है ना, हरी चटनी भी है उसके साथ, खाने में बड़ा आनंद आता है ना पकौड़ों को ना। समोसे लेके आते ना दिन में उसकी चटनी है, उसके साथ भी खाएंगे। मैं रख दी थी, मैंने पकौड़े बनाएंगे उसके साथ खाएंगे, पूरी बनाएंगे। ये देखिए करारे करारे पकौड़े, और ये चटनी भी है, ये देखो चटनी भी है। अब पूड़ियाँ भी बनाई है इन्होंने, ये देखिए, ये देखो पूड़ियाँ भी बनाई है, मतलब बड़ी बड़ी पूड़ी बनाई है। थोड़ा सा आटा रखा था, सोचा तो समय सोची पूड़ी बना लेती हूँ, चाय के साथ खा लेंगे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये देखिए आज नीतू की तबीयत खराब है, तो आज मेरे को ही चाय बनानी पड़ रही है। ये देखिए मैं उसके लिए कड़क वाली चाय बना रहा हूँ, उसमें अदरक तुलसी के पत्ते वगैरह डाल के, ये देखिए। और थोड़ी सी उनकी आज तबीयत ख़राब थी ना, जुकाम खांसी बुखार हो रखा है, मैंने बोला मैं अभी बना रहा हूँ आपके लिए चाय। ये देखिए आज दिखाता हूँ उनको, ये देखिए तबीयत ख़राब है ना, आज सो रही हैं। और ये हमारा बाबू भी देखो, ये देखो गुस्से में खड़ा है, कह रहा है बिस्कुट लेने चल रहे हैं, बिस्कुट घर पे है फिर भी मांग रहा है दोबारा।
ये देखिए, ये तो इस तबीयत खराब है, उसमें से भी चिल्ला रही है हाय हाय। गुड मॉर्निंग आप सबको। अब खड़े हो जाओ भाई, चाय पी लो, चाय बन गया बढ़िया। ये देखो उठ गया, क्या कर रहे हो भाई इधर, क्या देख रहे हो पार्क में हाँ? क्या देख रहे हो पार्क में भाई बताओ। ये पार्क में यहीं से देखता रहता है खड़ा होके, कोई भी नहीं देखे तो इसे। रोज़ जैसे हम इसमें इन कबूतरों के लिए पानी भी रखते हैं, ये कबूतर रोज़ पानी पीते हैं यहाँ पे। ये देखो बैठे हुए भी ये कबूतर आपको दिख रहे होंगे, रोज़ कबूतरों के लिए पानी रखा जाता है। और देखिए सारे हमने तुलसा जी के पौधे भी लगा रखे हैं, ये देखिए बहुत सारे एयर वगैरह है। ये देखिए मैं इनके लिए ये ब्रश लेके आया हूँ, इनका ब्रश भी ख़राब हो गया था, एक नया ब्रश लेके आया हूँ। वो टूटे ब्रश से ही कर रही थी, मैंने कहा लेके आता हूँ अभी एक ब्रश, तो लेके आया हूँ। अब देखो ये छोटू हमारा, ये छोटू है ना, देखो ये मांग रहा है, एक है इसके पास, देखो दूसरा भी है इसके पास। ये देखो दे दो भाई मम्मा को, दे दो भाई ब्रश, मैं वो वाला लूंगी मैं। अच्छा तो दे दो, चलो कोई सा भी दे दो उन्हें, एक ब्रश दे दो। आज तो मौसम भी ऐसा है, धूप भी ना निकल रही है, ऐसे छा रहा है, पूरा प्रदूषण टाइप का छा रहा है आज, बिल्कुल भी धूप नहीं है। लेकिन मौसम बढ़िया है अपना पार्क में ना, सुबह सुबह इतना अच्छा रहता है। और कल बहुत भीड़ थी, ये चाय लेके जा रहे हैं बाबू का दूध है, एक में मतलब दूध बाबू दूध बोलता है इसलिए मेरे मुंह पे भी दूध आ जाता है। आप भी पी लो सुबह सुबह चाय, देखो मतलब सब कुछ डाल के बनाया है, बोले गला खुल जाएगा। देसी चाय है ये, देसी चाय है, अब दवाई खाती नहीं है ये, तो मैंने कहा चाय बनाऊं आयुर्वेदिक, इसमें बनाया मैंने, इसमें तुलसी के पत्ते डाले, लौंग डाले, पता पीछे पड़ेगा दोनों बाबू भी अभी, चलो दवाई लेने, मुझे दवाई से बहुत डर लगता है इसलिए मैं नहीं गई। और डांटने लगे मुझे को रात में, चलो भाई मुझे क्यों डांटे थे रात में, इसलिए डांटे थे, आप दवाई नहीं खाते हो ना, दवाई नहीं खाओगे तो आप चाय पी लो। चलो तो मैं तो बोल रही थी चाय पी लूंगी लेकिन दवाई नहीं खाऊंगी मैं, चलो दवाई ले। और इधर बाबू क्या कर रहे हो, बाबू कहाँ है, देखो मैं नया ब्रश मेरे लिए पिछली बार मंगाई थी तो वो भी इसने ले लिया, अपना रखा है छोटा उसे नहीं करता है, और अभी मंगाई तो अभी भी ले लिया। और जूते पहने रहो उतारना नहीं, ठंडा मौसम आ गया, और टोपी भी नहीं पहन रहा है लड़का, टोपी क्यों नहीं पहनते हो, टकला जूते उतार दिए इसने, पिटाई हो जाएगी जूते पहने जल्दी, ना सॉक्स पहनना है ना जूते पहनना है। और ये देखिए लिया है उसके बिस्किट भी लिया है, चाय आप लोग भी पी लीजिए, हम लोग भी पीते हैं। और ये देखिए पापे भी हैं साथ में, और बाबू की चॉकलेट बिस्किट है, वो तो बस चॉकलेट बिस्किट ही खाता है, नहीं फोन नहीं देखते, गंदी बात होती है। पापे निकाल रहे हैं, देखिए पिछली बार लेके आए थे तो बेकार पापे निकले, आपकी फिर भी सही, उसमें इतनी वो थी भाई, रस बोलते हैं इसको, रस है ये, हाँ रस, पापे कुछ भी बोलो उसमें इतनी सौंप थी, इन्होंने खत्म कर खाती थी मैं, पी लो हाँ, उनको भी पीने दो, हाँ पियो हम भी पी लें। ये देखिए मैंने इसमें तेल डाल दिया और जीरा भी डाल दिया, आज मैं सब्जी मैं बना रहा हूँ, और प्याज भी डाल दिया मैंने, इसको फ्राई कर दो प्याज को पहले। ये देखिए पनीर मैंने वो कर लिया इसमें भुजिया, ये देखो पनीर भी डाल दिया मैंने, आज भाई मैं ही बना रहा हूँ। ये देखिए
भुजिया बन गए। अब मैं नहाने के लिए जा रहा हूँ, फिर ड्यूटी भी जाना है मेरे को, तो अभी तक के लिए यहीं ब्लॉग को रोकता हूँ। ये देखिए अब सुबह सुबह अब ड्यूटी का टाइम हो रहा है, हमें खाना खा के अब निकल रहा हूँ। अभी देखिए खाना खा ले रहा हूँ, आप भी खा लीजिए और अब मिलता हूँ मैं अगले ब्लॉग में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय। बाबू आओ खाना खा लो तुम भी, आओ। हाँ आ जाओ खाना खा लो, फिर पापा ड्यूटी जाएंगे बेटा, आ जाओ। ये कह रहा है सब्सक्राइब करो, एक सब्सक्राइब तो बनता है ना, लाइक भी बनता है।